नमस्कार बाळ मित्रों, धोरण चार विषय हिंदी जेमा आपणे आगळ पाठ नंबर एक जोयो हतो वर्णमाला। वर्णमाला में आपणे स्वर जोया हता, बराबर। हवे आपणे जोईशुं वर्णमाला में व्यंजन। चलो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़ता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क, क बोलने के लिए हमें अ का सहारा लेना पड़ता है। क, क बोलने के लिए अ का सहारा लेते हैं, इसलिए हम क बोल सकते हैं। जैसे कि क, हम बोलते हैं क, तो अ स्वर का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे सभी व्यंजन के बोलने के लिए हमें स्वरों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़ता है उसे व्यंजन कहते हैं, बराबर। तो चलो देखते हैं व्यंजन, पढ़िए और समझिए, वाँचो अने समझो। चलो पहला व्यंजन कयो छे, जो जो क, बराबर। हिंदी में क आ रीते लखाशे अने गुजराती में क आ रीते लखाशे, तमारे बन्ने लखवाना छे। क से कमल, क से कमल, एनु गुजराती थशे कमळ। ख, हिंदी नो ख आ रीते लखाशे अने गुजराती में ख आ रीते लखाशे। ख से खटिया, खटिया नु गुजराती थशे खाटलो। ग, ग से गमला, गमला नु गुजराती थशे कुंडू। ग, ग से घर, घरनु गुजराती हशे घर। च से चरखा, चरखानु गुजराती हशे रेट्यो। छ से छत्री, छत्रीनु गुजराती हशे छत्री। ज से जग, जगनु गुजराती हशे जग। ज से जळना, एनु गुजराती हशे जळनु। ट से टमटम, एनु गुजराती हशे घोड़ागाड़ी। ठ से ठठेरा, एनु गुजराती थशे कंसारो। द से डमरू, एनु गुजराती थशे डमरू। ढ से ढकना, एनु गुजराती थशे ढाकणू। न से बाण, बाणनु गुजराती थशे बाण। ट से तलवार, एनु गुजराती थशे तलवार। ठ से ठण, एनु गुजराती थशे आँचळ। द से दरवाजा, एनु गुजराती थशे दरवाजो। ढ से ढजा, एनु गुजराती थशे ढजा। न से नल, एनु गुजराती हशे नळ। प से पटंग, एनु गुजराती हशे पटंग। फ से फल, एनु गुजराती हशे फळ। ब से बस, एनु गुजराती हशे बस। भ से भगट, एनु गुजराती हशे भगट। म से मगर, एनु गुजराती हशे मगर। य से यति, एनु गुजराती हशे यति अथवा तो जैन साधु। र से रथ, एनु गुजराती हशे रथ। ल से लड़का, एनु गुजराती हशे छोकरो। व से वजन, एनु गुजराती हशे वजन। स से सरबत, एनु गुजराती हशे सरबत। स से षटकोण, षटकोण नु गुजराती हशे षटकोण। स से सड़क, एनु गुजराती हशे सड़क। ह से हल, एनु गुजराती हशे हळ। स से क्षत्रिय, क्षत्रिय नु गुजराती हशे क्षत्रिय। न से यज्ञ, यज्ञ नु गुजराती हशे यज्ञ। त्र से पत्र, पत्र नु गुजराती हशे पत्र। स्र से श्रवण, श्रवण नु गुजराती हशे श्रवण, बराबर। तो क, ख, घ, ग, पछी अंग, अंग नामनो व्यंजन आवे छे आ रीते, बराबर, जेनो शब्दमां प्रयोग थतो नथी, बराबर। एटला माटे अहींया आपेलो नथी, परंतु तमारे याद राखवानो छे। पछी च, छ, झ, झ, पछी च आवे, कयो व्यंजन आवे? झ परथी च्य, बराबर। आनो पण शब्द बनता नथी एटला माटे अहीं आपेला नथी, परंतु याद राखवाना छे, बराबर। चलो फिर से देखते, क, ख, ग, ग, अंग। च, छ, ज, ज, च्य। ट, ठ, ड, ढ,
अण ट ठ ड ढ ण प फ ब प भ म य र ल व स स स घ स्र न त्र स्र बराबर क थी स्र सुधी ने व्यंजन तमारे व्यवस्थित रीते हिंदी में अने गुजराती में एना थी बनता शब्द पण हिंदी गुजराती व्यवस्थित अने सुंदर अक्षरे लखवाना छे। चलो हवे आगळ जोईए। पढ़िए अनुलेखन कीजिए और लिखिए। वाँचो अनुलेखन करो अने लखो। अहीं क थी स्र सुधी ने व्यंजन आपेला छे। तमारे बोलता जवानुं छे अने एने लखता जवानुं छे। तो क क पछी झाका व्यंजनों आपेला छे एने आपणे घूटी करवाना। जे रीते मैं रीते मैं घूटेला छे ए रीते तमारे पण व्यवस्थित रीते घूटवाना छे। अने बीजा खाना आपेला छे एनी अंदर तमारे आ व्यंजन लखवानो प्रयत्न करवानो छे। आ रीते लखवाना छे क थी स्र सुधीने बराबर। अहीं सुधीने तमारे लेसन करवानुं छे। त्यारबाद स्वाध्याय। स्वाध्यायनो प्रश्न नंबर एक छे, गुजराती और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाइए। या गुजराती अने हिंदी मूळाक्षरों ने जोड़वाना छे बराबर। अविभाग अने ब विभाग। अविभाग में गुजराती वर्ण आपेला छे, ज्यारे ब विभाग में हिंदी वर्ण आपेला छे। तो अहीं गुजराती वर्ण क्या क्या आपेला छे? ज भ ख ल क फ अने एना हिंदी ब विभाग में आपेला छे बराबर। ज ज ने आपणे क्या जोड़ीशू हिंदी ना ज साथे? क्या छे ज? आ रह्यो। तो अहीं तमारे आ रीते जोर मिलावानी छे बराबर। ज आ रीते तमारे आ बधा व्यंजन ने जोड़वाना छे। अहीं अ विभाग में गुजराती छे अने ब विभाग में हिंदी छे बराबर। तो अ विभाग में गुजराती क्या क्या आपेला छे? घ छ ट ठ ड ण। હવે અહીંયા પહેલો વ્યંજન કયો છે? ગ। તો આપણે હિન્દીના ગ સાથે જોડીશું, ક્યાં છે? આ રહ્યો ગ બરાબર। આ રીતે તમારે બધા વ્યંજન ગુજરાતીને હિન્દી સાથે જોડવાના છે। હવે પ્રશ્ન નંબર બે, વ્યંજન હિન્દીમાં લખીએ। ગુજરાતી હશે વ્યંજન હિન્દીમાં લખો। એ ગુજરાતી વ્યંજન આપેલા છે, આપણે હિન્દી લખવાના છે। ક કનું હિન્દી થશે ક બરાબર। આ રીતે હિન્દી પછી ખ ખ બરાબર। આ રીતે તમારે બધા વ્યંજન હિન્દીમાં લખવાના છે બરાબર। આટલું લેસન તમારે વ્યવસ્થિત અને સુંદર અક્ષરે નોટબુકમાં અને ચોપડીમાં કરવાનું રહેશે બરાબર। અને ક થી સ્ર સુધીને વ્યંજન ક્રમ પ્રમાણે યાદ રાખવાના રહેશે। આભાર।